प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए कानून कोई मायने नहीं रह गया। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरदोई में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की बात धमकी भरे लहजे में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बोल कर गए। तो आज हरदोई में सत्ताधारी दल भाजपा के जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हरदोई के जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट विभाग में एक चिकित्सक पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाकर उसके कक्ष में घुसकर जबरदस्त दबंगई दिखाई। सत्ता के नशे के मद में चूर बीजेपी नेताओं का आरोप था कि रेडियोलॉजिस्ट विभाग में डॉक्टर और वहां के फार्मासिस्ट एक मामले में सुविधा शुल्क मांग रहे थे। उसी के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर खुलेआम कानून को हाथ में लेकर डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ जमकर बदसलूकी की। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस डॉक्टर और फार्मासिस्ट को अपनी कस्टडी में कोतवाली लेकर आई। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह अस्पताल का हरदोई के जिला चिकित्सालय का रेडियोलॉजिस्ट विभाग है। इसी रेडियोलॉजिस्ट विभाग के एक चिकित्सक डॉक्टर इंद्र सिंह के कमरे में इस समय भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा, हरदोई से भाजपा के उम्मीदवार रहे राजा बख्श सिंह समेत एक दर्जन पर पार्टी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता सत्ता के नशे के मद में चूर कानून को अपने हाथ में लेने पर आमाद हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं का अपने कमरे में जमघट देखकर डॉक्टर और फार्मासिस्ट की सिट्टी पिट्टी गुम है। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री का आरोप है यहाँ तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इंद्र सिंह और फार्मासिस्ट अरुण कुमार एक अरवल थाने के मरीज छोटेलाल से मेडिको लीगल करने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए 15,000 रुपए का सुविधा शुल्क मांग रहे थे। उसी की यहाँ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं संघ यहाँ आकर मामले को समझने के बाद पुलिस को सूचना दी है। जबकि तस्वीरों में साफ देखिए कि भाजपा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किस तरह से सत्ता के नशे में मद में चूर कानून को अपने हाथ में लेने पर आमाद हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कभी फार्मासिस्ट के साथ बदसलूकी करके उसे धमकाते हैं तो कभी डॉक्टर को उसके ही रूम में धकियाते नजर आ रहे हैं। सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता तो डॉक्टर इंद्र सिंह पर हाथ चलाता भी नजर आ रहा है। यही नहीं, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के कार्यकर्ता मीडिया के कैमरे को भी बंद करने की नसीहत दे रहे हैं तो डॉक्टर से लेकर फार्मासिस्ट की तलाशी भी ली जा रही है। यह तो गनीमत थी कि हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बीजेपी के आक्रोशित नेताओं के कब्जे से डॉक्टर और फार्मासिस्ट को अपनी कस्टडी में लेकर कोतवाली आ गई। अब मामला सत्ता पक्ष के नेताओं का है, इसलिए पुलिस भी अभी इस मामले में बहुत कुछ बोलने से बचती नजर आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अभी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। नहीं, कानून हाथ में नहीं है, कानून हाथ की कोई बात नहीं है। यहाँ एक्सरे में सुनने में पहले से भी था कि यहाँ धंधा होता है फ्रैक्चर बनाने का, और फ्रैक्चर है तो उसे सामान्य बनाने का। संयोग से आज हमारे जिला महामंत्री को उनके क्षेत्र के व्यक्ति ने, जिसकी भाभी को मारा पीटा गया है, चोट लगी है, काफ़ी भर्ती हैं, और उनका एक्सरे हुआ, उसके बाद वो डॉक्टर इंद्र सिंह जी और उनके सहायक अरुण वो बार बार बेड पे जाके अप्रोच कर रहे हैं कि रुपया पंद्रह हज़ार दो, नहीं तो तुम्हारा सामान्य कर देंगे, चोट वोट नहीं दिखाएंगे। राजपूत जी ने जब किया तो उनके साथ भी वही व्यवहार हुआ। इसके लिए हम लोग आए थे, मौके पर जानकारी जिलाधिकारी को दी है, संबंधित अधिकारियों को दी है, कार्रवाई करवा रहे हैं, इसमें कोई कानून हाथ में लेने वाली बात नहीं। आप लोगों ने जामा तलाशी ली? नहीं, हमने जामा तलाशी किसी ने नहीं ली। किसने ली है? किसी ने नहीं ली।